Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are well at your house and doing well for your study. So dear students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है 11th क्लास का वो है वॉइस। वॉइस हम करवा रहे हैं यहाँ पे और आशा कर रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी हम आपके टॉप एक्सरसाइज करवाई है वो सभी आपको समझ में भी आ रही है, बेटर तरीके से भी प्रॉब्लम अगर आ भी रही है तो आप सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, अगर नहीं भी है तो आप कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझे इस सेंटेंस से मैंने क्लियर किया था लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, कभी भी आप कोई भी वाक्य इस मैसेज के ऊपर डाल सकते हो जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। हमने कल किया था जितने भी जो हमारे पास टेंसेस होते हैं उन सभी टेंसेस की हमने एक्टिव से पैसिव चेंज कर ली थी। उसके बाद कल एक छोटी सी हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जहां पे मैंने लिखा था एक्सिलरी। बेटा ये स्पेलिंग सही कर लेंगे, AUXILIARY, वहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है तो इसको आप सही करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, मॉडल एक्सिलरी वाला वाक्य भी किया था और सेंटेंस भी किया था। आज हमारे पास टॉपिक आ रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि हमारे पास आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करते हो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है सबसे पहले हमें यह देखना है। इंपेरेटिव यदि सेंटेंस हमारे पास आ जाता है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप किस तरह से इसको चेंज करते हैं। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी आप हाई एग्जाम के अंदर जाते हो तो एक या दो या तीन नंबर का क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना क्या है कि जहां पर भी आप लोगों की कोई भी वर्ब V1 से शुरू होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है बेटा, कोई भी सेंटेंस V1 से शुरू होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही होता है। इसको सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल के माध्यम से एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उस फॉर्मूले से आप चाहे कितने भी आप लोगों के सामने ये आ जाए आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या है कि जब आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम करते हैं लेट, क्या करते हैं लेट, उसके बाद हम लगा देते हैं इट, लेट इट बी डन। अब कहोगे सर ये क्या ऐसे फॉर्मूला है, देखिए लेट इट बी डन का अर्थ क्या होता है कि जहां पर भी आप लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस बनता है वो आपका लेट इट बी डन से ही आपका सॉर्ट आउट होगा, चाहे आपके कितने ही आपके एग्जाम्पल क्यों ना आ जाए, कैसे भी आपके एग्जाम्पल आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस का तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है। कैसे करना है, आपको लेट तो लगाना ही लगाना है, जब आपका ये इट है इट की जगह के ऊपर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो यहां पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस में बी का यूज करेंगे प्लस में V3 आपके पास सेंटेंस में आ जाएगा और लेट तो आपको ये आपका एग्जांपल हो चुका है। लेट प्लस में नेम वर्ड्स जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे प्लस में बी का यूज करेंगे प्लस में V3 का यूज करेंगे। इस के माध्यम से आप कितने भी एग्जांपल आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं चाहे कैसे भी है। जैसे पहला वाक्य है डू इट, क्या है बेटा डू इट, आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें क्योंकि ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको लगाना है लेट, इट की जगह ये हमारे पास वो आ गया बी लगा दिया और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, लेट इट बी डन आपका एग्जाम्पल हो जाता है। टाइप दिस लेटर, सेकंड है हमारे पास टाइप दिस लेटर, इसको सॉल्व कीजिए बेटा, क्या है हमारे पास, देखिए V1 से शुरू हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस है, दिस लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया है तो क्या करेंगे हमें क्या लगाना है लेट लगा दिया,
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे सब्जेक्ट, लेट दिस लेटर, उसके बाद क्या लगाएंगे बी टाइप है, टाइप की थर्ड फॉर्म्स क्या होगी टाइप, आपका वाक्य राइट हो रहा है, लेट इस लेटर बी टाइप। बोले बेटा कोई प्रॉब्लम आई? दूसरा देख लीजिए, पुट आउट द लैंप, पुट आउट द लैंप, आपको पता है पुट आउट का क्या होता है, लैंप चल रहा है लैंप को ऑफ कर दीजिए, तो पुट आउट है आपका V1 से शुरू हुआ है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे लेट द लैंप बी पुट आउट। अब इसकी पुटेड पुटेड मत कर देना, कभी पुटेड पुटेड में लग जाओ, क्योंकि पुट की थर्ड फॉर्म भी वही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, सेकंड फॉर्म भी वही होती है, इसी के अनुसार हम इसको चेंज कर देते हैं। बस करना क्या है, लेट इट बी डन वाले वाक्य के अंदर आ जाओ। यदि आप लेट इट बी डन वाले वाक्य के अंदर आ रहे हो तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जिसमें से इसमें लिखा हुआ है डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस फॉर दैट, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, वही वाक्य बेटा डू नॉट आया है, तुम्हारे पास इंपरेटिव है, वो V1 से शुरू हुआ है, तो क्या कर देंगे लेट द पुलिस, हो गया। अब यहां पे बी से पहले क्या लगाएंगे नॉट, बी इन्फॉर्म, बाकी आपका राइट हो गया, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई आपको, कोई सामना किसी तरह की भी, बस करना क्या है हमें लेट इट बी डन वाले वाक्य के साथ लेके आते हैं। अगर आप इसमें लेट इट बी डन वाले वाक्य के साथ आ रहे हो तो आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। सेकंड इसी का नियम क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होता है या फिर काइंडली से स्टार्ट होता है तो जब आपका पैसिव तो सब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा उसमें प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं भाई हटा देते हैं और इसकी जगह हम लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लगा देते हैं बेटा यू आर रिक्वेस्टेड सेंटेंस लगा देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे टू लगाते हुए इसको आगे सोल्व करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी वाक्य आपका एक्टिव सेंटेंस के अंदर प्लीज और काइंडली से शुरू होता है और वो आपका पैसिव वॉइस में प्लीज और काइंडली को हम वहां से रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड प्लस में टू प्लस में जो आगे जो सेंटेंस आया है उसको हम आगे लगा देते हैं। इसके एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल के साथ आपको बड़ा समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है प्लीज हेल्प हिम, क्या लिखा बेटा प्लीज हेल्प हिम, हमारे पास वाक्य आया है प्लीज हेल्प हिम तो प्लीज वाले वाक्य से शुरू हुआ है तो इंपरेटिव तो है ही हमारे पास तो क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया उसके बाद क्या कर देंगे हेल्प हिम। वाक्य आपका राइट हो गया। दूसरा देख लीजिए इसी का, अगर दूसरी इसके अंदर आती है तो इसमें लिखा हुआ है काइंडली अलाउ मी योर न्यू वॉच, काइंडली अलाउ मी योर न्यू वॉच,
इसको सोल्व कर लीजिए। कैंडी से शुरू हुआ है तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी योर न्यू वॉच। क्या किया है सिवल, काइंडली को हमने यहां से रिमूव किया है, इसमें हमने इसको प्लीज को रिमूव किया है, और इसके जगह हमने क्या लिखवाया है बेटा यू आर रिक्वेस्टेड, और यहां पे क्या लिखवाया है यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा के जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको एज इट इज आप यहां पे लिख के आ सकते हो, आपका ये आंसर राइट हो जाता है। बोलिए कोई प्रॉब्लम? यस बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो आप इसके अंदर। अगर इसी वाक्य के अंदर कोई, एक बार और भी बता देना चाहता हूं, कोई वाक्य आपका लेट से स्टार्ट होता है, इंपरेटिव जो सेंटेंस आपका आता है वो लेट से स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर हमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे कि सर इंपरेटिव सेंटेंस तो हमारे पास आ ही गया है लेकिन ये लेट से शुरू हो रहा है, इसको हम कैसे सोल्व करें? भाई क्वेश्चन तो है ना आपके सामने, अगर कोई वाक्य आपका लेट से शुरू हो जाता है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको घबराना नहीं है, इसमें करना क्या है, लेट हिम रन। देखिए ये है लेट हिम रन अ रेस, लेट से शुरू हुआ है ये, चलो तो क्या हुआ कुछ दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है इसको लेट यूज कर लीजिए, लेट यूज कर दिया, ये हमारे पास क्या है वो ही ऑब्जेक्टिव केस है, इसको बना दो सब्जेक्ट, लेट आर रेस बी रन, उसके बाद हमें यूज करना बाय, और बाय के बाद जो ऑब्जेक्टिव तो केस दिया हुआ है उसको हमें यहां पे लगा देना है इन, और लास्ट में आपको वाक्य सोल्व कर देना है। बोलो कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई? दूसरा वाक्य समझ लीजिए इसी का, लेट हिम सेल द बुक, लेट हिम सेल द बुक, किस वाक्य से शुरू हुआ भाई हमारे पास, लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट को हमने कहां पे अपनी जगह पे लगा दिया, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है इसको, तो क्या लिखेंगे लेट द बुक हो गया, उसके बाद हमें बी तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद क्या लगेंगे सोल्ड, ये आपका वो ही वाक्य तो है लेट द बुक बी सोल्ड, उसके बाद बाय यूज करते हुए यहां पे हम क्या कर देंगे हिम जो यहां पे लिखा हुआ है उसका एज इट इज लिख के आ जाते हैं, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाता है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, समझ में आया लेट वाला वाक्य समझ में आ गया। अब दूसरा वाक्य हमारे पास क्या कह रहा है कि एक और है, यदि सेंटेंस को करना चाहते हो अगर यही आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो, बाकी आप इसके सवार कर सकते हो, जैसे कि डू इट आया है यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ये भी आप इसमें कर सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, आपका आंसर राइट हो गया। Help him, you are requested to help him, इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको लेके आ सकते हैं। दूसरा यदि हम कर सकते हैं call in the doctor, you are requested call to call in the doctor, carry out my order, you are requested to carry out my order, सारे एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे पास सिंगल वाले, समझ में आ गया होगा इंपरेटिव सेंटेंस में बेटा आपको करना क्या है, एक तो आपको फॉर्मूला देखना है कि भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या चल रहा है, लेट इट बी डन वाला फॉर्मूला पुट कीजिए, यदि किसी सेंटेंस में आपका प्लीज और काइंडली आ जाता है तो प्लीज और काइंडली को वहां से रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू इन्फिनिटिव लगाते हैं हम इसको सॉल्व कर देंगे, और यदि हमारे पास कोई वाक्य पहले से ही लेट से शुरू है इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो हमें वहां पे घबराना नहीं है, लेट वाले वाक्य को ऐसे ही लिखता है, लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा हिम यहां उसको बाय के बाद उसको यूज कर देते हैं, ये आपका सिंपल सा वाक्य बन जाता है। ठीक है, आप सब ये उतार सकते हो। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, यदि किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस,
तब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? सेंटेंस में यदि आपके सामने क्या मिलते हैं बेटा, टू ऑब्जेक्ट्स वाला वाक्य आ जाता है, तो इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे विद टू ऑब्जेक्ट्स? विद टू ऑब्जेक्ट्स, अब यहां पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। एक तो हमारे पास होता है बेटा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है? देखिए बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से तरीका बता रहा हूं, नेम ऑफ एनी थिंग्स। कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसका नाम लिखा हुआ होगा, वो हमारे पास क्या आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के में आते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या आते हैं कि जहां पे किसी के लिए प्रोनाउंस वर्ड्स यूज करते हैं, जिससे से मी, यू, हिम, यूअर, ये सभी क्या हैं, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी वस्तु का नाम वहां पे आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि वहां पे जो प्रोनाउंस वर्ड्स आएंगे वो हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोनाउंस हो जाते हैं। ऐसे वाक्य को सोल्व करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स हैं, जैसे कि ही टीचेज अस इंग्लिश। सॉरी, क्या लिखा है यहां पे, ही टीचेज अस इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश किसी वस्तु का नाम है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे इसको लेके आते हो, तो यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं, किसको लेके आते बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम यहां पे पहले लेके आते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, करना क्या है, देखिए इंग्लिश इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, टीचेज है हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या लिखाएंगे, इज एम आर वाला, तो इंग्लिश हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, इंग्लिश इज टॉट। उसके बाद हम लगाएंगे टू अस बाय हिम। अगर आप लोगों एक चीज को ध्यान देना है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो टॉट के बाद टू एस का यूज कर दें, टू आपको लगाना ही लगाना है, उसके बाद बाय हिम यूज कर देते हैं। अगर आप लोग यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दे तो यहां पे क्या बनेंगे, वी, क्योंकि वी आया यहां पे, वी हमारे पास प्लुरल है, वी आर टॉट इंग्लिश किसके द्वारा, बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना। बस केवल करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट में वही होगा जब नेम ऑफ थिंग्स होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाता है कि जब प्रोनाउंस वर्ड्स आते हैं तो उसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे इंग्लिश किसी वस्तु का नाम है, बुक्स का नाम है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इंग्लिश इज टॉट, इसके बाद टू जरूर यूज करना है, उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। ऐसे ही वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, यदि इसको सेकंड तरीके से करना चाहते हो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ये नेम्स तो है ही है। दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए इसी का, सी हैज गिवन मी अ मैसेज, सी हैज
हैज गिवन मी अ मैसेज। वही है, ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में से आप पहले कौन सा लेके आ सकते हो, तो हम इसको लेके आते हैं। चलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आओ, आई, आई के साथ क्या आता है बोलो, आई हैव क्या लिखेंगे बीन गिवन अ मैसेज बाय हर। एक तो ये वाक्य आपका आपके सामने आ गया, और यदि हम इसको दूसरे के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, इसको लेके आओ पहले क्या लिखेंगे अ मैसेज हैज बीन गिवन किसको टू लगाना है मी बाय हर, आपका वाक्य राइट हो जाता है। दूसरा और देख लीजिए, लास्ट इसका एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, आई सेल गिव हर 10 रुपीज, आई सेल गिव हर 10 rupees। ये वाक्य आपके सामने, तो क्या करेंगे लिखो, सी विल बी गिवन 10 rupees बाय मी। अगर इसको लिख के आते हो 10 rupees will be given to her by वाक्य आपका राइट हो जाता है। मतलब बेटा दो चीज करवाई है हमें आज, इंपरेटिव सेंटेंस में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो, और आपका सेंटेंस विद विद टू ऑब्जेक्ट्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। कल इसकी जो इंपॉर्टेंट जो नियम है, जो आप लोग कहते हो आपकी चीज बोलते हैं सर बेटा इसके कोई नियम्स नहीं होते हैं, इसको बस आपको रट्टाफिकेशन करना, आपको इसको लर्न करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं जो बाकी जो आपको ये कंप्लीट करवाते हैं, इसके जितने भी जो आपके नियम्स बनते हैं वो सभी नियम्स आपकी नोटबुक में राइट डाउन करवाऊंगा, और आपको एनालाइज होगा कि हाँ सर हमने आज क्या की है, वॉइस कंप्लीट टॉपिक किया है। तो बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।